हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कुछ ऐसी बातें जो आप बहुत बार पूछते हैं और शायद आपको उसमें कन्फ्यूज़न भी हो। तो देखिए, सबसे पहले वर्ड हम लिखते हैं, है ना, बड़ा ऊ की मात्रा। आपको मैं वैसे तो बता चुका हूँ कि बड़ा ऊ की मात्रा जो है अलिफ वाव अगर आता है और अलिफ पे पेश आए सिंपल और वाव पे उल्टा पेश, तब इसको हम अलिफ पे पेश होने की वजह से ऊ नहीं कहेंगे, हम ऊ कहेंगे। ठीक है, यही चीज़ अगर अलिफ वाव ज़बर आए तब इसकी मात्रा औ वाली हो जाती है। हिंदी वाले समझते हैं औ किसे कहते हैं, ठीक है। और अगर हम अलिफ और यही वाव के साथ पेश लगाएं तब ये ओ कहलाता है। ठीक, तो देखा आपने, अलिफ वाव पेश के साथ हो गया ओ। ठीक है, यहाँ पे भी पेश है, यहाँ पे जज्म है, यानी कि इसके होने से पता चलता है कि यहाँ पे वाव पे ना जबर है, ना जेर है, ना पेश है। ठीक, तो ये औ दर्शाता है, या इससे ये पता चलता है कि औ आवाज़ आएगी और इससे अलिफ पेश वाव पेश इससे ओ आवाज़ आएगी। लेकिन इससे है अलिफ पेश वाव उल्टा पेश, इससे आएगी बड़ा ऊ की मात्रा ऊ, यानी थोड़ा खींचेंगे ऊ। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स इसी पे हम लिखवाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं एक वर्ड, स्कूल। तो देखिए, इस आ रहा है तो अलिफ पे ई लगाया तो इस हो गया, है ना। लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। तो अलिफ पे जेर आया तो ई हो गया, और ये सीन आया इतना तो हो गया इस। अब आपको क्या करना है, काफ लेना है ना, इतना काफ हो गया, और वाव लेना है, काफ पे पेश वाव पे उल्टा पेश, तो ये हो गया कू, यानी इतना क्या हुआ, इतना हुआ कू, है ना। और ये लाम ले लेना है, क्योंकि वाव आएगा तो वाव से अगला जो भी लाम है या जो भी आए वो वाव से मिला के नहीं लिखा जाएगा, जैसे काफ वाव या सीन मिला के लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कू यूज़ किया, कौन सा, बड़े ऊ की मात्रा वाला, ये वाला। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड और लिखते हैं। जैसे वर्ड है औ की मात्रा लेकर, एक वर्ड है कौन। ठीक है, तो देखिए ये लिखा है कौन, तो हमें मालूम है कि उर्दू में कौन कैसे लिखना है। देखिए, कौ कैसे लिखना है, पहले काफ आ रहा है तो काफ ले लो, फिर वाव जबर, ये हो गया कौ, यानी औ की मात्रा, कोई भी लेटर वाव और सबसे पहले वाले लेटर पे जबर आएगा तो अव आवाज़ आएगी। तो कौ कहने के लिए कौ और वाव, काफ पे जबर लेंगे तो कौ आवाज़ आ गई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये नून की आवाज़, न, कौन, न, न, तो ये क्या लिया हमने, ये नून ले लिया। ठीक है, ये बन गया कौन। अब इससे मिलते जुलते कुछ वर्ड्स और भी लिख सकते हैं, जैसे कि जॉन, जीम, वाव, जबर ज, और ये नून, ये हो गया जॉन। ठीक है, इसी तरीके से मीम, वाव और नून, जबर के साथ आ गया मौन। ठीक है, ये हो गया जॉन और ये हो गया मौन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ वर्ड्स और लिखवाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस पे लिखवाएंगे ऊ पे। ठीक, तो इसको उतार दीजिए आप। तो एक वर्ड है फूल, तो आपको मालूम है, सबसे पहले फा समझ लीजिए, फा कैसे बनता है। तो पे और दो चश्मी है को जोड़ते हैं, तो ये पे दो चश्मी है, ये इतना, ये डंडा है, ये फे पे का है और ये दो चश्मी है, तो अब ये बन गया फ फ। लेकिन अभी हम फ नहीं कहेंगे जब तक इस पे जबर ना लगे, है ना। तो फ कहने के लिए जबर भी लगाना ज़रूरी है, और फा कहने के लिए दोस्तों पे दो चश्मी है, जबर तो लगेगा ही, ये अलिफ आ गया है। अब ये हुआ, जैसे ये फा है वैसे ये फा है। ठीक है, खैर हमें लिखना है फूल, एक होता है फूल फ,
है ना, फे की आवाज़ निकालते हैं तो यहाँ से दो होंठों को बीच से हवा निकाल के, जैसे हम मोमबत्ती फूकते हैं ना, मान लो ये मोमबत्ती है, हम इसको फूक रहे हैं, तभी आप फू फू, जब भी आप फू कहेंगे ना आवाज़ निकालेंगे तो फे की आवाज़ निकलेगी। लेकिन फ कहने के लिए, क्योंकि हिंदी में फ होता है तो हिंदी वाले फ आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन होता क्या है, जहाँ फ कहना है वहाँ फ बोल दे रहे हैं, फ बोलते हैं, और जहाँ फे कहना हो या फे की आवाज़ निकालनी हो वहाँ पे फ। ये फूल को फूल कहते हैं, फ से फूल होता है, गुलाब का फूल या कोई सा भी फूल, तो फूल कहते हैं, है ना। फालतू को जो फे से होता है ना, ये फे और अलिफ, ठीक है, जो फालतू है इसे फालतू कहते हैं। तो कहीं कहीं क्या होता है कि फैसला एक वर्ड है तो फैसला को फैसला बोलते हैं, जबकि फैसला नहीं होता। फिल्म, फिल्म फे से होता है ना, तो फिल्म बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, फूल लिखते हैं, ठीक है, फूल, तो पे दो चश्मी है और ये वाव, पे दो चश्मी है, वाव पे उल्टा पेश, ये हो गया, इस पे पेश ये हो गया फू, और ये हो गया लाम लगा के फूल, ठीक है, ठीक इस तरह से जिस तरह से यहाँ लिखा है हिंदी में दोस्तों, फूल, है ना। तो हमने क्या देखा, बड़ा ऊ की मात्रा का इस्तेमाल किया। ठीक, अगला वर्ड लिखते हैं, इसको उतारते जाइए। तो एक वर्ड होता है खून, तो देखिए हिंदी में अगर लिखें हम, वैसे ख होता है, लेकिन उर्दू की वजह से ख भी बनाना पड़ता है, ये पॉइंट दे देते हैं, तो ख हो जाता है ना। खे ख जो है, ख जो जो हलक से आती आवाज़, वो हिंदी में है नहीं, तो अगर हिंदी वाले नहीं बोल पाते तो उनकी गलती नहीं है, लेकिन उर्दू वाले तो बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो नहीं, जो उर्दू वाले भी नहीं बोलते हैं तो उनकी ये गलत बात है। तो ख पे ऊ की, बड़ा ऊ की मात्रा और ना, ये हो गया खून, ठीक। खून जो है फारसी वर्ड है, फारसी में इसे खून को हिंदी में रक्त बोलते हैं, ठीक है, आप जानते हैं ऑलरेडी, तो फारसी से उर्दू में आया है ये। तो खून जो है, देखिए खून लिखा है, अब देखिए खून खे के लिए, पहले खे की आवाज़ आ रही है ना, ये पॉइंट जो होता है इसका मतलब खे है यहाँ पे उर्दू में, तो खे और ये वाव, खे वाव, खे पेश खू, वाव उल्टे पेश, है ना, तो अब ये होगा खू, खुबू नहीं कहेंगे, आप याद रखिएगा, खुबू नहीं कहना है, खू कहना है अगर वाव पे उल्टा पेश आता है तो। और ये नून लगा देंगे दोस्तों सिंपली, तो ये बन गया खून, ठीक है। इसी तरीके से इससे मिलता जुलता एक वर्ड है, बस खे का जीम बनाना है, देखिए एक महीने का नाम भी है दोस्तों, ठीक है, जून। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले जीम का शॉर्ट फॉर्म, फिर वाव, जीम के नीचे एक नुक्ता, जीम पे पेश, वाव पे उल्टा पेश, जू और ये नून, ये बन गया जून, है ना। तो होता क्या है कि यहाँ तो हम लगा रहे हैं पेश भी, उल्टा पेश भी, सब चीज़ें, लेकिन आपको मैं बताऊं कि इसमें जब बुक में आता है या कहीं पे भी अखबार में आता है तो दोस्तों वहाँ पे ना ही ये दिखेगा आपको, ना ही ये दिखेगा। तो होता क्या है कि आपको जो आपने रीडिंग की है अब तक या जो आपने पढ़ा है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, इस तरह से लिखा होगा और ये नहीं होगा मान लीजिए, तो आप खुद मिलाइए, जीम वाव पेश जो होगा और नून जोन, या जीम वाव उल्टा पेश जू और नून जून, तो आपको वहाँ पे अपना जो है लॉजिक लगाना है, ठीक है, जोन होगा या जून होगा, क्योंकि आगे पीछे वाले सेंटेंस बता देंगे। अगर लिखा है जून के महीने में, जॉन होगा तो जॉन किसी का नाम हो सकता है, लेकिन जॉन के महीने में तो होता नहीं है, लेकिन जून के महीने में, तो इस तरह से आप लॉजिक लगाएंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये लिखा क्या है और आपको यहाँ पे उल्टा पेश लगाना है या पेश लगाना है, ठीक है, ठीक है ना। पेश लगाएंगे तो ओ की आवाज़ आएगी, वहाँ पे जज्म लगेगा, यानी कि वहाँ पे कोई भी पेश नहीं होगा, ना ही उल्टा ना ही सीधा, तो अव की आवाज़ आएगी ज़बर के साथ, और इस तरह से लगाएंगे तो ऊ, यानी खींचेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से ये लिखा आपने, अब अगला वर्ड हम लिखवाते हैं, तब तक आप इसको लिख लीजिए। तो एक वर्ड है सुकून, सा पे छोटा ऊ की मात्रा, काफ पे बड़ा ऊ और ये नून, सुकून, ठीक है, सुकून का मतलब ही है शांति, चैन, सुकून। तो देखिए
सीन पे सु सु कहना है, सु नहीं कहना है, तो सीन पे पेश आएगा, सीन पे सु। अब यहाँ से काफ ले लेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक काफ वाव, तो काफ पे पेश होगा और वाव पे उल्टा पेश। हम यहाँ लिखवा रहे हैं, हालांकि आप ना भी लिखें तो सुकून ही पड़ा जाएगा, ठीक है, बताने के लिए आपको कि कू यानी ये जो हमने बताया था बड़ा ऊ की मात्रा, इसको समझाने के लिए। तो सु कू और ये नून है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया सुकून, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक वर्ड है, यू नो, जुनून, जुनून जो कि अरबिक वर्ड से लिया गया है उर्दू में, जुनून मतलब पागलपन या बहुत ज़्यादा भयानक वाला गुस्सा, ठीक है, उसे बोलते हैं जुनून। तो देखिए जी जा पे छोटा ऊ की मात्रा, ना पे बड़ा ऊ की मात्रा और फिर एक और ना, ये बन गया जुनून, ठीक। तो देखिए दोस्तों, जीम पेश जू, फिर नून, फिर वाव, ये नून पेश नू और वाव उल्टा, इतना हो गया जू और ये नू और फिर ये नून, जू नून, ठीक है। और ये नून वाव से क्यों नहीं लगा है मिलके, मतलब मिला के क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि वाव के बाद कोई भी लेटर आता है तो वाव से अलग, यानी कि ये अब अलग रहेगा, ठीक है, इसीलिए ये सब अलग अलग हैं, लाम भी अलग है, ठीक है, मिला के नहीं लिखा गया है। और वो बात मैंने पिछले वाली वीडियो में बताई थी, आपको शायद याद हो, नहीं देखी है तो ये आपकी गलती है, आपने भूल कर दी, आप उसको जाके देखिए दोबारा, ठीक। तो इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं और दिखाते हैं आगे और क्या है। तो ओ की मात्रा के हिसाब से बो बोलेंगे, ठीक है, तो बाप ओ बो और त और ला, तो ये हो गया दोस्तों बोतल, ठीक है। तो देखिए बो कहने के लिए हम क्या करेंगे, बे का शॉर्ट फॉर्म है ना, बे इस तरह से भी बनता है, तो आपको बताना देना चाहूँगा कि ये जो बे होता है ना, इसके बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है स्ट्रेट और ऐसे भी होता है, ठीक है, तो ये सब बे के शॉर्ट फॉर्म हैं और कभी कभी यूं भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो ये शॉर्ट फॉर्म जानना आपके लिए ज़रूरी है, जो वीडियो मैंने बनाई हुई ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म वाली है ना, वो ज़रूर देखिएगा। खैर, तो बो कहना है सबसे पहले, बोतल लिखने से पहले बे और वाव पेश, ये हो गया बे वाव पेश बो और ते, ते के ऊपर दो नुक्ता आएगा ही और फिर लाम, ये हो गया ते लाम जबर तल, बो तल। तो ओ की मात्रा बो जो है इतना है, बे वाव पेश बो, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ यहाँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब अगला वर्ड हम लिखते हैं तोतल, या तोतल मत बोलिए, तोतल में भी यही होगा, यहाँ से उठ के ये दो नुक्ते ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। एक है तोता, मान लीजिए तोता किसी पंछी का नाम है, तो ते त पे ओ की मात्रा, फिर त पे आ के मात्रा, ये हो गया तोता। तो देखिए, तो यहाँ जो है एक चीज़ मैं बता दूँ, कुछ वर्ड जो उर्दू में हैं, जैसे हिंदी में त के लिए त ही होता है, लेकिन उर्दू में त के लिए दो हैं, ठीक है, एक तो तोय है और एक ते है, तो ये तोय से ही तोता आता है। तो देखिए तोय वाव, तोय वापिश तो, फिर से तोय और अलिफ और तोय अलिफ ता जबर के साथ, इतना हो गया ता और इतना हो गया ते वापिश तो, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं, अगर आप चाहो तो वाप भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया तोता, ठीक है। अब आप ये जहन में सोचेंगे कि हम कैसे समझेंगे ता जो है आएगा तोई के लिए कहीं कहीं, या कहीं कहीं ते कैसे समझें, तो इसका आसान जवाब यही है कि आपको यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों, रीडिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, जो मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है ना, एक प्लेलिस्ट है रीडिंग फॉर बिगिनर्स, इस तरीके से एक प्लेलिस्ट है, उसको देखिए आप, उसमें आपको शिनाख्त होगी, है ना, और मैंने हिज्जे करके बताया हुआ है स्पेशली फॉर बिगिनर्स। खैर, तो ये हो गया तो का यूज़ आपने देखा यहाँ पे। उसके बाद अगला वर्ड हम लिखते हैं
ओ की मात्रा को ही लेके, है ना। सोना, तो देखिए हम सोना यहाँ लिख देते हैं, तो देखिए सीन वाव पेश, वाव पेश, सीन पेश, सू और वाव, तो ये हो गया सू, नहीं सूना, सू नहीं कहेंगे, सो कहेंगे, क्योंकि वाव पे भी पेश है। तो इतना हो गया सो दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया नून का शॉर्ट फॉर्म, है ना, और ये अलिफ ऊपर चला गया, नून अलिफ जबर ना, ये हो गया सोना, ठीक है। उसके बाद अगर लिखना चाहें आप खोना, तो देखिए ख ना पे आ की मात्रा। तो दोस्तों ये खोना लिखा है, तो देखिए आप जानते हैं ऑलरेडी काफ दो चश्मी है और वाव, काफ पे पेश आया, वाव पे भी पेश आया, इतना हो गया खो, नून और अलिफ ना, ये हो गया खोना, ठीक है। तो ये हो गया वाव पे, अगर आप ये ना भी लगाएं, वाव पेश पे, वाव पे पेश ना भी लगाएं तो भी चलेगा, ठीक है। अब एक वर्ड और लिखते हैं रोना, ठीक है, इसको हम उर्दू में लिखेंगे, तो देखिए ये हो गया हिंदी वाला रोना, ठीक है। अब देखिए उर्दू वाला रोना, रे वाव पेश रो, नून और अलिफ जबर ना, ये हो गया रो, इतना हुआ रे वाव पेश रो और नून अलिफ ना, रोना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है, ठीक। तो इसको लिख लीजिए, फिर मिटाते हैं और आगे देखते हैं कुछ और दूसरे वर्ड्स। अब लिखते हैं कुछ दूसरे वर्ड, जैसे कि औ की मात्रा को लेकर, जैसे कि मौन लिखते हैं एक वर्ड, ठीक है, मौन धारण करना यानी खामोश रहना, चुपचाप रहना। तो देखिए दोस्तों ये है मीम और ये वाव, मीम वाव जबर मौ और ये नून आया तो ये हो गया मौन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीम वाव जबर मौ, मैंने आपको बताया था कि पहला लेटर और वाव के साथ आएगा तो पहले लेटर पे ये क्या होगा, जबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया मौ और ये नून लगा के हो गया मौन, ठीक। अब आपने एक सुना होगा कि ओना पौना, औने पौने, औने पौने दान, ओन, तो हम ओना लिखते हैं, चलिए। तो ये हो गया अ और ये हो गया ना, तो देखिए अलिफ वाव जबर अ, नून और छोटी है। तो मैं बता दूं कि ना के लिए उर्दू में दो तरह से ना होता है, एक तो नून छोटी है वाला और एक नून और अलिफ ना, ठीक है, दोनों ही सही हैं दोस्तों, ठीक, है ना। ओना ये वाला लिख दें या ये वाला लिख दें, अलिफ वाव जबर औ, नून और अलिफ जबर ना, ओना, ठीक है। अब औ का हम बीच में यूज़ करते हैं, जैसे एक वर्ड है खिलौना, तो देखिए यहाँ पे तो हमने लिख दिया दोस्तों, इस यहाँ लव लिखा है, इसी को, इसी औ की मात्रा वाले को हम वर्ड को लिखते हैं जिसमें बीच में आए औ, लव। तो देखिए ख के लिए काफ दो चश्मी है, जेर खी हो गया, फिर लाम हो गया, है ना, यहाँ तक खी और यहाँ से यहाँ तक लाम और वाव, लाम वाव जबर लव हो गया और नून और अलिफ, नून अलिफ जबर ना। तो यहाँ पे क्या किया हमने, लव ले लिया, ये है लाम वाव जबर, ये जबर आया ना ऊपर, ये हो गया खिलौना, ठीक है। अब एक वर्ड लिखते हैं औ की मात्रा को लेकर, ब नू न और यानी आ की मात्रा, आकरंडा, ये आकरंडा बोलते हैं इसको, है ना, ये हो गया बौना, ठीक। तो देखिए बे वाव, बे वाव जबर ब, नून और अलिफ ना, बौ ना, नून अलिफ जबर ना, ठीक है। तो दोस्तों इसका स्नैपशॉट ले लीजिए यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो और इसमें हमने आपको बताया कि इसमें हमने ओ आओ और ऊ यानी बड़ा ऊ की मात्रा किस तरह से उर्दू में लिखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी ही लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो फिर से वही हमारी रिक्वेस्ट के आप उन तक ज़रूर पहुँचाएँ हमारी वीडियो जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको हमारी वीडियोज़ देखनी चाहिए। तो इस वादे के साथ कि हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक
खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।